वीडियो को शुरू करने से पहले तो गाइस यहाँ पर आपको बता दूं कि कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग आप भी अपने मोबाइल से कर पाएंगे बेहद सिंपल स्टेप में। अगर आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं इस वीडियो को तो आप भी अपने मोबाइल से कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग कर पाएंगे बेहद सिंपल स्टेप में। तो इस वीडियो में गाइस काफ़ी ज़्यादा भी मज़ा आने वाला है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को इस टाइप की एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपना लाइटरूम मोबाइल में अपनी फोटो को ऐड कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑल फोटोज का ऑप्शंस मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और उस फोटो को ओपन कर लीजिएगा जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हो। तो जैसे कि मैं इस फोटो को एडिट करना चाहता हूँ तो इस फोटो को ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है ना गाइस, यहाँ पर ढेर सारे आपको लाइंस और ढेर सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बिंदु वाला ऑप्शंस मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देन गाइस क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए कलर्स का ऑप्शंस मिल जाएगा, इस कलर्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर भी आपको ढेर सारे टूल्स और लाइंस देखने को मिल जाएंगे। तो पहले स्टेप में आपको करना क्या है, अपनी फोटो की बैकग्राउंड को ब्लैक टोन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हम लोग को यहाँ पर ग्रीन वाले पार्ट्स पे सिलेक्ट कर लेना है और ग्रीन वाले पार्ट्स पे आ करके आपको सिचुएशन को फुली डिक्रीज कर देना है और इसके ऊपर वाले लाइंस को ह्यू को भी फुली डिक्रीज कर देना है और इसके ल्यूमिनेंस को भी इतना घटा लेना है। और गाइस इतना करने के बाद आपको येलो वाले पार्ट्स पे आ जाना है, इसकी सिचुएशन को भी फुली डिक्रीज कर देना है और इसके ह्यू को भी माइनस कर देना है। और अगर 100 माइनस कर देने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिख रही है। उसके बाद आपको करना क्या है ना गाइस, यहाँ पर ब्लू वाले पार्ट्स पे आ जाना है, इसकी सैचुरेशन को भी इतना इंक्रीज कर, इतना डिक्रीज कर देना है, माइनस कर देना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है ना, इसकी ह्यू वाले ऑप्शंस को भी इतना माइनस कर देना है, ल्यूमिनेंस का ऑप्शंस को आपको इस टाइप से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और आपकी फोटो कुछ इस टाइप से दिख रही है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर डार्क ब्लू वाले पे आ जाना है, इसकी सैचुरेशन को इतना सा घटाना है और इसकी ल्यूमिनेंस को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है इतना सा और इसकी ह्यू को भी हल्का सा डिक्रीज करना है, हल्का सा इतना सा डिक्रीज कर देना है। देन गाइस आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिख रही है। उसके बाद आपको दो नंबर वाले पार्ट्स पे आ जाना है, इसकी सैचुरेशन को इतना सा डिक्रीज कर देना है इतना सा। उसके बाद आपको ल्यूमिनेंस वाले ऑप्शन को हल्का सा बढ़ा देना है, इतना सा बढ़ा देना है और इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर से आपकी काम हो चुकी है। सिंपल से यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन से डन कर देना है। उसके बाद करना क्या है गाइस, यहाँ पर आपको तीन बिंदु वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद गाइस क्लिक कर लेने के बाद ना यहाँ पर आपको एक गोल जैसा चक्री मिल जाएगा, तो इस चक्री पर हाथ रख देना है आपको बिंदु पर और इस टाइप से थोड़ा सा आपको नीचे कर लेना है, नीचे की ओर हल्का सा लेकर जाना है, इतना सा इतना सा। इतना कर लेने के बाद गाइस आपको करना क्या है ना, इसके यहाँ पर आपको तीन ऐसे लाइंस मिल जाएंगे, तो ल्यूमिनेंस वाले ऑप्शंस को आ जाना है, आपको इतना सा माइनस कर देना है, इतना सा माइनस कर देना है, 76, हाँ इतना सही। उसके बाद नीचे बीच वाले ऑप्शंस पे आ जाना है, आपको बीच वाले ऑप्शन से आके हल्का सा इंक्रीज कर लेना, हल्का सा इतना सा। उसके बाद बैलेंस वाले ऑप्शन पे आ जाना है और इसको डिक्रीज कर देना है इतना सा। और देख सकते हैं गाइस आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिख रही है। तो आपको यहाँ पर से डन कर देना है। देन गाइस आपको यहाँ पर इतना कर लेने के बाद उसके ठीक नीचे वाले ऑप्शंस पे आ जाना है, चरकुट वाले ऑप्शंस पे। और यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको करना क्या है ना, इसकी विगनेट को माइनस कर देना, इतना इतना माइनस कर लेने के बाद देखिए गाइस आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिखने को लगेगी। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक और ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो इसको हल्का सा डिक्रीज करना, इतना सा। बस देख सकते हैं गाइस आपकी यहाँ पर इतनी काम हो चुकी है, क्लैरिटी को भी हल्का सा ले लेते हैं इतना सा और गाइस यहाँ पर से आपकी काम खत्म हो चुकी है। तो इसके नीचे वाले पार्ट्स पे आ जाना है और हल्का सा शार्पनिंग को बढ़ा देना है, हल्का सा इतना सा। और हल्का सा और नीचे आना है, यहाँ पर कलर्स वाले ऑप्शंस को हल्का सा ले लेना है। और इतना करते ही गाइस आपकी पूरी फोटो यहाँ पर से काम लाइटरूम से खत्म हो चुकी है। तो चलिए इस फोटो को हम लोग पहले शेयर करते हैं अपने स्नैपसीड में। तो चलिए आगे क्या प्रोसेस है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो स्नैपसीड का ऑप्शंस मिल जाएंगे, इस पर स्नैपसीड में आपको क्लिक कर देना है और देख सकते हैं गाइस आपकी पूरी फोटो स्नैपसीड में आ चुकी है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको PNG और लगाना है। तो PNG का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले उस PNG को भी अपनी फोटो में ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पेंसिल वाले कोने में ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा।
उसके बाद ऐसे जरा सा नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर आपको एक डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद गाइज देखिए यहाँ पर आपको प्लस का एक आइकन मिल जाएगा और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके उस पीएनजी को भी लगा लेना है। तो सबसे पहले हम लोग ये हायर फॉल्ट वाले इसको इस पीएनजी को पहले लगा देते हैं। तो हार्ट फायर वाले पीएनजी को कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। और गाइस यहाँ पर एडजस्ट कर लेने के बाद ना यहाँ पर आपको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ इजीली लाइटन कर देना है। और देख सकते हैं लाइटन करने के बाद आपकी हायर फाइट फोटो लग यहाँ पर पीएनजी लग चुकी है। और गाइस यहाँ पर इतना कर लेने के बाद आपको राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको एक और पीएनजी लगाना है। तो यहाँ कोने में एक पेंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके उस पीएनजी को भी लगा लेते हैं। तो इस पीएनजी को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर अपनी फोटो में। और अगर आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसको भी लाइटन कर देना है। और लाइटन कर लेने के बाद देखिएगा जब आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिख रही है और यहाँ से आपको राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद देखना है कैसे आपकी फेस पर ये इफेक्ट आ चुकी है पीएनजी। तो पहले चलिए इसको रिमूव करते हैं। तो ऊपर एक आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। वेव शील्ड पे क्लिक करके आपको डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है और ब्रश को ले लेना है और इस वाले आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है। और देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पर कहाँ पर लगी, इसको रिमूव कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से हम रिमूव भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी हेयर पर और आपकी स्किन पर लगी है, तो चलिए फटाफट से रिमूव कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस आपकी यहाँ पर से रिमूव हो चुकी है। आपको राइट क्लिक कर देना है और इस तीर वाले ऑप्शन से पैक आ जाना है। और आपको क्या करना है, अपने फेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, थोड़ा सा गोरा कर लेना है। तो पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ऐसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको स्लैप टू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और अपनी उंगली को कुछ इस टाइप से फेस के ऊपर रख के यहाँ पर कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना है। तो ब्राइटनेस को हल्का सा इंक्रीज करना है, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा डिक्रीज कर देना है, सैचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है और इस टाइप से छोटा कर लेना है आप लोगों को। और इतना करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, सिंपल से राइट क्लिक कर देना है। और देख सकते हैं आपके चेहरे की भी ग्लो खुल चुकी है। तो यहाँ पर आपकी पूरी फोटो एडिट हो चुकी है, जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा था कुछ उस टाइप से एडिट हो चुकी है। इस फोटो को हम लोग शेयर कर लेते हैं अपनी गैलरी में। तो गाइस कैसा लगा हमारा वीडियो, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके आने वाले कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।